झांसी हिंदुस्तान की खुशहाल और आबाद रियासत जिसे महाराष्ट्र के ताकतवर पेशवा पहले बाजीराव ने स्थापित किया खुद मुख्तार और आजाद थी लेकिन आज उसकी गद्दी खाली पड़ी है इसलिए कि रघुनाथ राव भाव की मृत्यु पर इसके चार हकदार उठ खड़े हुए और जब तक इन चारों में से ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक का हक तस्लीम न कर ले ये इसी तरह खाली पड़ी रहेगी आज इस सुनसान राजगद्दी तक केवल झांसी के राजगुरु ही आते हैं इसके बीते हुए गौरव पर भक्ति के दो फूल चढ़ाने और दो आंसू गिराने इसके अंधकारमय भविष्य पर इस गद्दी की पूजा ही उनके जीवन का उद्देश्य है उनकी आंखें लगी रहती हैं इसकी पवित्रता की रक्षा पर लेकिन उनके कान लगे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के फैसले पर और कंपनी सरकार ने फैसला कर लिया है कि झांसी की राजगद्दी पर राजा गंगाधर राव का अधिकार है और इस अहदनामे की रूह से उन्हें बाख्तियार वालिये झांसी करार दिया जाता है मुबारकबाद योर हाइनेस और मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल हो महाराज शुक्रिया कर्नल सुलेमन शुक्रिया सदाशिव आर्टिकल 6 राजा गंगाधर राव वालिये झांसी इस बात का इकरार करते हैं कि वो अपनी रियासत में आजादी सुलह और व्यापार बरकरार रखने के लिए कंपनी सरकार की फौज को झांसी में रखेंगे और उसके खर्च के लिए 2,27,458 रुपए सालाना आमदनी का इलाका कंपनी सरकार को देंगे और साथ ही ये शर्त भी मंजूर करते हैं कि झांसी की मौजूदा फौज के तमाम सिपाही कंपनी सरकार की फौज में शामिल कर लिए जाएंगे थैंक यू डियर थैंक यू वेरी मच लीजिए योर हाइनेस हमारी दोस्ती की सलामती बात है तारा किताब घर में फिर वही फिरेंगे अफसर कर्नल स्लीमन आप हमारी तरफ से गवर्नर जनरल को यकीन दिला दें कि यह अहदनामा झांसी में खुशी और खुशहाली का नया बाब खोल देगा महाराज के हुक्म की तामील हर्फ हर्फ होगी योर हाइनेस Long live the king. और कंपनी सरकार ने फैसला कर लिया है कि झांसी की रा अहदनामा स्याही के बदले खून की लाल रोशनाई से लिखा जाता मगर राजगुरु सब शर्तें तो वही हैं जो महाराज रामचंद्र राव के साथ थी और ये दफा जिसमें झांसी राज कंपनी सरकार की फौज को झांसी में रखना मंजूर करता है क्या ये वही दफा नहीं है जिसे मनवाने के लिए कंपनी के बड़े बड़े अफसर 4 साल से राज के चक्कर काट रहे थे और मैं इनकार करता रहा मगर गुरुदेव उनकी फौज हमारी सवारियों में शामिल होगी और झांसी राज की हिफाजत भी करेगी जो अपनी हिफाजत आप नहीं करता उसकी हिफाजत भगवान भी नहीं करते गंगाधर राव जिस तख्त की सेवा में मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार दिए उसे बेचने से पहले तुमने मुझसे मशवरा तक न किया झूठे मुंह मेरी राय तक न ली इससे साफ जाहिर है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं 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 गुरुदेव अपने गंगाधर को इतनी सख्त सजा न दीजिए बगैर आपकी सलाह और मशवरे के मैं क्या करूंगा वही जो तुमने आज किया है अगर तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत होती तो सर पर ताज पहनने की हवस में पैरों में गुलामी की बेड़ियां ना पहन नहीं गुरुदेव आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा गंगाधर राव मैं तुम्हारा पुजारी नहीं झांसी के तख्त का पुजारी हूँ और एक रोज इस तख्त की सेवा के लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगा लेकिन उस शक्ति को लेकर जो तुम्हारे किए को मिटा सके
हमारे झुके हुए सरों को उठा सके, झांसी के बिगड़े हुए इतिहास को बना सके। राजगुरु ने झांसी छोड़ी ले ईश्वर का नाम, जन्मभूमि जब संकट में है फिर कैसा विश्राम। राजगुरु ने झांसी छोड़ी ले ईश्वर का नाम, पहले मंदिर गया नदी में थी मन में इधर विचार, हाथी पर घुमा ले दिल बेचैन वहां भी मन था, रथ पर भी कुछ दूर चला पर वही बावला मन था, लगन में चला ऊंट पर उसी लगन में चला ऊंट पर, एक रोज मस्ताना दुनिया समझी दीवाना, ये देश का था दीवाना, ये देश का था दीवाना, पैदल भी वो चला मगर व्याकुलता हुई न दूर, झांसी की तकदीर ले गई आखिर उसे बिठूर, आखिर उसे बिठूर। खेलो मजे करो, ड्राइव ऑन ऑल ओवर। देख तूने मेरी गुड़िया तोड़ डाली। अरे मत रो शंकर, तुझे नई गुड़िया ला देगा। हाँ शंकर। हाँ मैं मनु के लिए सब कुछ करूंगा। अरे तू इतनी जोश में क्यों आ गई थी, उसके पास बंदूक थी, अगर वो तुझे मार बैठता तो। बहुत देख ऐसे मारने वाले, मैं कोई डरपोक जो बंदूक से डर जाते। मैं जानता हूँ मेरी चमेली, तू तो बड़ी बहादुर है, न तू बंदूक से डरे न भाले से, न तीर से डरे न तलवार से, जा अब दौड़ कर जा फवारे पे, नाना और राव तेरी राह देखते होंगे। तब तो वह हाथी भी होगा। अरे नाना और राव हाथी पे न बैठेंगे तो क्या तू हाथी पे चढ़ के निकलेगी। हाँ हाँ बाबा, मेरे नसीब में एक नहीं दस हाथी है, दस। बड़ी आई दस हाथी वाली, जन्म न देखा बोरिया, सपने आई सोने की खाली। नाना राव, रोको हाथी रोको, क्या मुझे अपने साथ ना ले चलोगे। रोको दादा मियाँ, राव ले लो मन्नू को भी अपने साथ। कोई जरूरत नहीं नाना, हाथी राजाओं की सवारी के लिए है, नौकरों की बेटी के लिए नहीं। सवारी का ऐसा ही शौक है तो कोई गधा वधा खरीद लो अपनी हैसियत का। ये बात है,
गजराज। राव ले लो मनु को भी अपने साथ। कभी नहीं। महावत हाथी आगे बढ़ाओ। बेटी तेरा जीवन बड़ा कीमती है और अगर तू मरना ही चाहती है तो मैं तुझे मरना सिखाऊंगा। मेरी बच्ची तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? हेनरी ने मुझसे कहा तू जख्मी हो गई है। हेनरी तो राई का पर्वत बना देता है। कहा होगा मनु गिर गई, मनु जख्मी हो गई, मनु हाथी के पैरों तले कुचल गई, मगर देखो मनु एकदम ठीक। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। भगवान का नहीं बाबा, इनका तो शुक्र करो। या न होते तो आज तुम्हारी मनु राम बोलो भाई राम। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। आपकी बेटी है? जी हाँ महाराज, एक गरीब ब्राह्मण की लड़की है जो झोपड़े में पैदा होकर महलों के ख्वाब देखती रहती है। हुजूर पेशवा के इस अदना सेवक की बेटी और रानी बनने का अरमान। मेरा ख्याल है मैं श्रीमंत पेशवा से मिलूंगा। पधारिए माशा। छबीली की कुंडली देखकर आप सोच में कैसे पड़ गए राजगुरु? ऐसी प्रतिभाशाली कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी श्रीमंत। भाग्य में लक्ष्मी, ज्ञान में सरस्वती और शक्ति में दुर्गा, सारी बातें एक ही कुंडली में इकट्ठी हुई हैं। हुआ करे, मुझे तो ये बताइए मेरे हाथ में हाथी है या नहीं? नहीं, तेरे हाथ में हाथी नहीं है। तेरा हाथ बहुत छोटा है। अलबत्ता तेरे भाग्य में बहुत से हाथी हैं। देखा बाबा, मैं न कहती थी। चलो ज्यादा बातें न बना, भाग जा यहाँ से। आओ नाना, आओ राव। तुम जरा ठहरो मोरोपन, राजगुरु तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मोरोपन, तुम्हारे घर में मुझे वो चीज मिली है जिसकी तलाश में मैं सारे देश की खा का 4 साल से छानता फिरता रहा हूँ। मेरे घर में आपको वो चीज मिल गई, मेरे अहोभाग्य। मोरोपन, राजगुरु चाहते हैं छबीली का ब्याह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ किया जाए। मगर गुरु जी, ये कैसे हो सकता है? राजा गंगाधर राव की उम्र तो 50 के करीब है और मेरी मनु तो अभी पूरे 9 साल की भी नहीं हुई है। क्या ये ब्याह धर्म के खिलाफ न होगा? ये ब्याह धर्म की वेदी पर नहीं होगा। जो उम्र सिन और साल का हिसाब लगाया जाए या दूल्हा दुल्हन का जोड़ देखा जाए। मनु का गठबंधन राग रंग और भोग विलास के लिए नहीं होगा, देश के लिए होगा। इस दुल्हन के घूंघट में देश की आजादी छिपी हुई है। तुम देखोगे कि सुहाग की चूड़ियों की छनछनाहट तलवारों की झनकार से बदल जाएगी और देश का एक एक बच्चा उस वक्त तक लड़ता रहेगा जब तक कि सारा देश आजाद न होगा। अब बताओ मोरपन, तुम्हारा क्या जवाब है? गुरुजी, मेरे अहोभाग्य की मेरी मनु झांसी की रानी बने, मगर आप जानते हैं कि मैं श्रीमंत सरकार पेशवा का अदना सेवक हूँ। मेरे मालिक की आज्ञा जरूरी है। इस ब्याह को हमारा आशीर्वाद है मोरोपन। फिर मेरी क्या मजाल है कि मैं इनकार करूं? श्रीमंत, आज आपने झांसी को उसकी रानी दी है, कल झांसी की रानी आपको अपनी खोई हुई पेशवाई वापस देगी। उस दिन का हम इंतजार करेंगे राजगुरु। मनु,
अब तू छबीली नहीं रही बेटी, आज से तेरे नए जीवन की शुरुआत हो रही है। अपना कर्तव्य कभी न भूलना, पति की पूजा के साथ प्रजा के पालन का भी जरूर ख्याल रखना। पेशवाई की गोद में पली है तू, हमें तुझसे बड़ी आशाएं हैं। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी बाबा, पेशवाई का सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। ये लो मनु, मेरे गैर हाजिरी में ये पिस्तौल तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम कितने अच्छे हो हेनरी। अच्छे प्रणाम, सबको प्रणाम। अरे शंकर, तुमने ये क्या भेद बनाया? तुम महलों को बसाने जा रही हो, मैं कुटिया बसाने जा रहा हूँ मनु। मगर ये न समझना शंकर कि महल में रहकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं एक रोज तुम्हारी कुटिया में भी जरूर आऊंगी। उस दिन मैं अपनी कुटिया में दिवाली मनाऊंगी। महाराज को है। हम देखते हैं कि हमारी रानी के मुबारक कदम झांसी की जमीन पर पड़ते ही हमें राज के पूरे पूरे इख्तियारात मिल गए। गोया हमारे घर में दुल्हन के लिबास में लक्ष्मी आई है, इसलिए हमने अपनी रानी का नाम लक्ष्मी तजवीज किया है। बोलो रानी लक्ष्मीबाई की जय।
हमारे मुल्क की दूसरी रस्म यह है कि ब्याह के बाद जब रानी पहली मर्तबा दरबार खास में पधारती हैं तो महाराज अपनी महारानी की तीन ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अब महारानी जी हुक्म दें और महाराज उसका पालन करेंगे। हीरे, मोती, माने, उत्तम चीजें, जवाहरात। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी मुंदर, अरे तू कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ मनु, इधर मुंदर, जल्दी आ। आई मनु। ये मुंदर हमेशा मेरे साथ रहेगी। महारानी की ख्वाहिश मंजूर है। अब महारानी जी दूसरा हुक्म दें। मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है कि एक हाथी बिछूर में नाना साहब को भेजा जाए, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपने हाथी पर बैठने देते थे। मंजूर है। अब महारानी जी तीसरा हुक्म दें। मेरी तीसरी ख्वाहिश बाबा यहाँ आओ, इतने दूर क्यों बैठे हो? बाबा तुमने मुझे रानी बना दिया, बहुत से हाथी घोड़े दिलवा दिए, तो तुम भी कुछ मांग लो। मेरी तीसरी ख्वाहिश यह है कि जो कुछ मेरे बाबा मांगे इन्हें दे दिया जाए। हाँ हाँ मौका है, मांग लीजिए मोरोपन जी, जर जमीन जायदाद वहदाद जो कुछ भी मांगना चाहे। झांसी का राजवंश सब कुछ देने को तैयार है। आज मैं अपनी मनु को झांसी की रानी देखकर सब कुछ पा चुका महाराज। अब एक ही इच्छा बाकी है, मेरी मनु जो एक होनहार कली है वो एक ऐसा महकता हुआ फूल बन जाए कि जिसकी खुशबू से सारा देश महक उठे। राजगुरु जी, आपने मेरी मनु को झांसी की रानी बनाया है, अब आप ही इसे सिखाइए कि रानी बनकर कैसे जीना चाहिए, और ये भी कि रानी बनकर कैसे मरना चाहिए। महारानी की तीसरी ख्वाहिश भी मंजूर की गई। बहादुरों की पूजा होती है, बहादुरों की पूजा होती है। अब लिखो, मैं बहादुर बनूंगी। मैं बहादुर हूँ। अब तुम्हें हमारे भारतवर्ष का इतिहास पढ़ना है। भारतवर्ष जिसने शिवाजी और टीपू जैसे वीर और चंद बीबी और दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं को जन्म दिया, जिन्होंने आजादी की एक दिन की जिंदगी को गुलामी की 100 साल जिंदगी से 1000 दर्जे बेहतर समझा, लेकिन पूर्णिया और मीर जाफर जैसे गद्दारों ने हमारे सिंहासनों को उनके हाथ बेचकर इस छोटे से लाल दाग को जो हमारी मातृभूमि पर एक धब्बे के समान था चंद ही साल में इतना विशाल बना दिया। पढ़ाई का आखिरी साल है, इस साल में तुम्हें भगवत गीता का पाठ पढ़ाऊंगा। ये वो किताब है महारानी जो इंसान को जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। गीता में भगवान ने कहा है तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, न कि उसके फल का। दरबार की तरफ से हर खासो आम को इत्तला दी जाती है। परमात्मा की कृपा से और राजगुरु की अंथक मेहनत से हमारी महारानी की तालीम अब खत्म हो चुकी है, और कल दरबार आम में हमारी महारानी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देंगी। झांसी के हर नर नारी छोटे बड़े
अमीर गरीब कल सुबह दरबारे आम में पधारे और इस मुबारक रस्म की शोभा बढ़ाएं। आज गुरुदक्षिणा के पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी रानी का स्वागत करें और राजगुरु के चरणों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। महारानी जी, हमारे यहाँ सदियों से ये रीत चली आ रही है कि जो पढ़ता है वो पढ़ाई खत्म होने पर अपने गुरु को दक्षिणा देता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं। इसी सदियों पुरानी रस्म को ताजा करते हुए महाराजाधिराज ने अपने जाति खजाने के ये तमाम बढ़िया जवाहरात इसलिए पेश किए हैं कि आप अपने गुरु का उचित सत्कार करें। साथ ही मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर ये तमाम जवाहरात काफी न हो तो मैं आपकी सेवा में शाही खजाने की कुंजियां भी पेश कर दूं। हुक्म फरमाए महारानी जी। महाराज, मैं आपकी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे नजराने को एक रानी की शान के मुताबिक बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन ये सब अनमोल चीजें और झांसी राज का सारा खजाना भी वो कर्ज अदा नहीं कर सकता जो इल्म की सूरत में मुझे अपने गुरु से मिला है। तुमने बिल्कुल सच कहा रानी, इल्म एक ऐसी अनमोल चीज है जिसका बदला दुनिया की कोई दौलत चुका नहीं सकती, फिर भी गुरु को उनका अपना हक मिलना ही चाहिए। जरूर महाराज, गुरु को अपना हक मिलना ही चाहिए। गुरुदेव, मैं जो नजराना भी आपकी सेवा में पेश करूंगी वो इस बात का सबूत होगा कि आपकी 10 साल की मेहनत बेकार नहीं गई और वो नजराना मेरी प्रतिज्ञा होगी। इस ऐतिहासिक मौके पर जबकि मैं एक रानी के फराइज और जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ, मैं अपनी इस तलवार की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने देश की आजादी की हिफाजत में गुजार दूंगी और दुश्मनों के उन हमलों का मुकाबला करती रहूंगी, जो पूरब से हो या पश्चिम से, उत्तर से हो या दक्षिण से। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी वक्त भी अंदरूनी गद्दारों और बैरूनी हमलावरों की तरफ से देश की आजादी को कोई खतरा पहुँचा तो मैं सिर्फ अपनी जान ही नहीं लड़ा दूंगी बल्कि उनसे मुकाबला करते हुए मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी खर्च कर दूंगी। हर हर नारे, हर हर नारे। गुरुदेव, मेरी प्रतिज्ञा ही मेरी गुरु दक्षिणा है, इसे स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। वीर रानी, आज तक किसी गुरु को अपनी मेहनत का इतना बड़ा इनाम नहीं मिला। महारानी की जय, राजगुरु की जय, महाराज गंगाधर राव की जय, राजगुरु की जय, महारानी की जय। मेजर एलिस, संगीत की इन सुंदर बारीकियों में तुम्हें क्या मजा आता होगा? क्यों यो है ना? तुम्हारे कान तो तोपों की गड़गड़ाहट के आदि हैं, पायलों की छननन और घुंघरों की झनकार के नहीं। मैं खुद नाटक का शौकीन हूँ यो है ना, और मैंने आपकी तारीफ जो सुन रखी है। मगर मेजर साहब, अफसोस इस बात का है कि आज महाराज खुद नाटक में नहीं उतर रहे हैं, वरना छिटकने वाली चांदनी में 4 चांद लग जाते। सावधान, महारानी की सवारी पर ध्यान रहे।
हम तुम्हारी बाट देख रहे थे रानी। आज की नृत्य कथा शेर और शोला हमने तुम्हारी खातिर तैयार की है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। तो शुरू करें। Thank you.
शुक्रिया, थैंक यू गाइस, शुक्रिया। पसंद आया महारानी? वाह, कितनी ऊंची, कितनी सुंदर, कितनी गहरी कल्पना। आपकी इस नृत्य कथा ने मेरे मन में एक नया विचार जगा दिया है महाराज। आज तो मिटा दो अपने माथे से सोच विचार की शिकनों को, आओ चले। क्या सोच रही हो? आपकी की कल्पना, शेर और शोले की कहानी। शेर और शोला तो कोई चीज नहीं है रानी। अब की बार जो नृत्य कथा हम पेश करेंगे वो हमारी जिंदगी का बेहतरीन कारनामा होगा। मैं तो समझती हूँ शेर और शोले से बढ़ के नृत्य कथा तैयार करना आपके लिए भी मुश्किल है। गंगाधर राव के लिए ये बात जरा भी मुश्किल नहीं है रानी। तुम्हारा पति झांसी का तो सिर्फ राजा है लेकिन रंगभूमि का सम्राट। मानती हूँ महाराज, हम तो समझते हैं नाटक जीवन जिंदगी का एक जरूरी अंग है और तुम्हें भी रानी इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। हाँ महाराज, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक नाटक तैयार कर रही हूँ जो शायद हमारे जीवन में इनकलाब पैदा कर दे। सच? और हमसे चोरी चोरी? क्षमा चाहती हूँ महाराज। तुम्हारा ये नाटक हमें देखने का मौका कब मिलेगा रानी? अब के महाराज की सालगिरह के दिन। तब तो हम उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे। हो गया आज सवारी को? गोरी पलटन नहीं आई रही, उनके तो हजार खून माफ हैं। अभी रानी से वास्ता नहीं पड़ा, छठी का दूध याद आ जाएगा। कैप्टन गॉर्डन, हमारी रियासत में तुम अंग्रेजी फौज के कमांडर हो। हस्बे मामूल, आज जुलूस में अपनी फौज के साथ शामिल होने की इत्तला भी तुम्हें दी गई थी। फिर क्या वजह है कि तुम अकेले आ रहे हो, देर से आ रहे हो और अपनी पलटन को अपने साथ लिए बगैर आ रहे हो? मुझे सिर्फ यह है योर हाइनेस कि आज इतवार है और इतवार के दिन हम हमेशा छुट्टी मनाया करते हैं। मैं अपने सिपाहियों को इस दिन कमर कसने का हुक्म नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हें चाहिए था कि इस बात की इत्तला हमें पहले ही दे देते ताकि इतनी परेशानी ना होती। खैर कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं महाराज, इतवार का तो एक बहाना है, वरना ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अंग्रेजी फौज का एक मामूली अफसर झांसी नरेश के हुक्म को अपनी ठोकरों में रख सकता है। ये बात नहीं है महारानी जी, इतवार के रोज हम कमर नहीं कसते, ये हमारा वसूल है और इस वसूल को हम हमेशा से बराबर मनाते आए हैं। लेकिन तवारीख के वर्क तुम्हारे इस दावे के खिलाफ गवाही दे रहे हैं कैप्टन। कैसे योर हाइनेस? 20 जून 1756 जिस दिन तुमने सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग शुरू की थी उस दिन इतवार था। 3 जनवरी 1757 को भी इतवार था जब तुम्हारे ड्रेक साहब ने कलकत्ते पर कब्जा किया और उसी साल 17 जून के इतवार को तुम्हारी फौजें छुट्टी मनाने की बजाय हुगली के बाजारों को जी भर कर लूट रही थी। क्या पलासी और उद्वा नाले की लड़ाइयों में इतवार नहीं पड़े थे? उस वक्त तुम्हारे ये उसूल कहां सो रहा था? कहां थी तुम्हारे उसूलों की ये सच्चाई जिसका डंका पीट कर आज तुम झांसी नरेश के हुक्म से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो? बेअदबी माफ हो योर हाइनेस, मेरी अर्ज तो यह है कि आज मैं कोई भाग नहीं खेलता। जंग के जमाने में दुनियावी उसूल तो क्या, मजहबी उसूलों को भी मजबूरन छोड़ दिया जाता है। मानते हैं, अब हम ये जानना चाहते हैं कि मलका विक्टोरिया का जन्मदिन कौन सा है? 24 मई योर हाइनेस। और 1840 में 24 मई को इतवार ही था। उस दिन सिर्फ अंग्रेजी पलटन ही नहीं बल्कि बर्तानिया का नौका दल भी कमर कस के मलका की सालगिरह के जश्न में शामिल हुआ था। तो फिर आज इतवार का बहाना करके तुम और तुम्हारी पलटन महाराज की सवारी में शामिल होने से कैसे इनकार कर सकते हो? मैं माफी चाहता हूँ योर हाइनेस। अपनी फौज के साथ सवारी में फौरन शामिल हो जाओ, यही तुम्हारी माफी है। मैं अभी अपनी फौज के साथ हाजिर होता हूँ। हाँ
कहाँ है कमांडर? हम बधाई देना चाहते हैं। आपकी सेवा में महाराज। कितना हसीन जाल बिछा रही हो हमारे खिलाफ, बेबस मर्द। शायद हमें गिरफ्तार करना चाहती हो। आपके दुश्मनों को महाराज। तारा, क्या तुम? ओहो, तो फिर कितनी देर है? कहो तो दाई से कह रखूं। चलो हटो भी, बेबात की बात किया करते हो। बेबात की बात? और नहीं तो क्या, मुझे कुछ होता तो क्या तुमसे छुपा रहता? तो फिर ये कुर्ता टोपी? ये तो राजकुमार के लिए तैयार की है मैंने। ऐसी चीज बना रही हो कि अगर राजकुमारी हुई तो बेकार ही जाएगी। चुप रहो जी, ऐसी बातें क्यों मुँह से निकाल रहे हो? दाई से भी कहीं पेट छुपा है? मैं रानी जी को देख कर आई हूँ, कुमार ही होगा। भगवान करे। तू किसी को नाउम्मीद नहीं करता मेरे मौला, चाहे मुझे जिंदगी भर लड़कियां ही दे, मगर राज की मुराद पूरी कर। रियाया अपने राजकुमार को देखने के लिए बहुत बेचैन है। क्या खबर लाए हो? शहर के सभी लोग चाहते हैं कि लड़का हो। और तुम भी वही बात दोहरा रहे हो? सरकार, कहो लड़की होगी, कहो लड़की होगी। जी सरकार, लड़की होगी। धरो गंगाधर जी, कुछ देर और। अभी नहीं महाराज। यही ना? जय हो महाराज, झांसी की युवराज की जय। युवराज, राजकुमार सुना तुमने? राजकुमार, राजकुमार। अभी नहीं महाराज। जब देखो तब अभी नहीं मां। ओ, ओ,
मेरा नन्ना राजा, मेरा मुन्ना राजा, मेरा सुंदर राजा। सुंदर? मुझे तो बंदर दिखाई देता है। देखो जी, अगर हमारे बेटे को तुमने बंदर कहा ना, तो हम उसे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। हाँ, चलोगे ना बेटा हमारे साथ? तुम्हारी माँ तुम्हें बंदर कहती है। तू बंदर नहीं है, तू तो मेरा बेटा है। मनु हेनरी, हेनरी डॉक्टर, तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, बचपन के दिन याद आ गए, बिठूर की गलियां याद आ गईं। मैं तो समझा था मनु, ओ माफ कीजिए, योहानिस रानी बनकर आप मुझे बिल्कुल ही भूल गई होंगी। भला बचपन के साथी को कोई भूल सकता है हेनरी? मैंने कई मर्तबा तुम्हें याद किया, तलाश भी करवाई, मगर कहीं पता नहीं चला कहाँ रहे इतने दिन। भटकता रहा इधर उधर और फिर फौज में शामिल होकर हिंदुस्तान चला। बड़ी खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर, आखिर मेरा वतन ही तो है। महाराज, ये मेरे बचपन के साथी हेनरी हैं, अब लेफ्टिनेंट हेनरी डाउकर। नाना और राव की तरह ये भी मेरे साथ बिठूर में खेला करते थे। उस वक्त ये मेरे गहरे दोस्त थे और यकीन है ये आइंदा इसी तरह मेरे दोस्त बने रहेंगे। आप कादना खादिम, हम तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हुए लेफ्टिनेंट। हमारा ख्याल है नाच गाने से तो जरूर दिलचस्पी होनी चाहिए तुम्हें। लाओ चलो, चलकर हमारे नए नाटक की इब्तदाई तैयारियां भी देख लो। महाराज की इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन एक घंटे के अंदर ही मुझे कमानी अफसर को अपनी हाजिरी की रिपोर्ट देनी है। फौज कानून की सख्ती से आप वाकिफ हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अपने कमानिंग ऑफिसर से हमारा सलाम कह देना और जब कभी फुर्सत मिले आ जाया करना। इसे पहचानते हो हंसी? अच्छी तरह, बिठूर से विदाई पर यही पिस्तौल मैंने आपको दिया था। जब मेरा राजकुमार पड़ा होगा तो ये पिस्तौल उसे दूंगी और कहूंगी कि तुम्हारे विलायती मामा की तरफ से है। ओह माफ कीजिए, राजकुमार के पैदा होने की मुबारकबाद देना तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। काश उस वक्त मैं भी यहाँ होता, सुना है बड़ी खुशियां मनाई गई थी। कुछ न पूछो लेफ्टिनेंट, हमारी खुशी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। राजकुमार ने पैदा होकर हमारे दिल की सारी चिंताएं दूर कर दी। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बीवी के साथ राजकुमार को देखने आना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी हाँ योर हाइनेस। बधाई हो हेनरी। हम चाहते हैं कि जो रुख्सत पार्टी हम कर्नल स्लीमन को दे रहे हैं उसमें तुम और तुम्हारी बीवी दोनों शरीक हों। जरूर ले आना अपने साथ, हम उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। योर हाइनेस, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया अदा कर सकूं। चलो डोरिस, तुम्हें राजा से मिला दूं। मुझे तो शर्म आती है हेनरी, कहां वो एक राजा, कहां मैं। क्या बड़े और क्या छोटे, उनकी नजरों में तो सब एक हैं।
कुंवर साहब की खबर ला दो जल्दी। मेरी बीवी डॉरिस योर हाइनेस। बहुत खूब, हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं लेफ्टिनेंट। शुक्रिया योर हाइनेस। महाराज कितने खुश और शाद नजर आ रहे हैं, मगर कहाँ है रानी? क्या तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। राजकुमार बीमार है, इलाज हो रहा है, मस्जिदों और मंदिरों में दुआएं मांगी जा रही है। ओह, दैट साउंड्स सीरियस। राजकुमार कैसे हैं? इलाज हो रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं। हेलो कैनल, वुड यू एक्सक्यूज अस योर हाइनेस? रानी की नारी सेना हमारे अहदनामे के खिलाफ है योर हाइनेस। क्या रानी के मन बहलाने का यह खिलौना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे का बाइस हो रहा है? नहीं योर हाइनेस। नाटक में कभी कभी बोलने वाला ना कहता है, पर देखने वाले उसे हाँ समझते हैं। मेरे ख्याल योर हाइनेस। ऑलराइट कर्नल, अगर यही बात है तो हम महारानी से इसका जिक्र करेंगे। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी सरकार और हमारी रियासत में कोई गलतफहमी पैदा हो। विथ योर परमिशन योर हाइनेस। हम इस वक्त इस खुशी की मजलिस को खत्म करने की माफी चाहते हैं। कुंवर दामोदर राव का स्वर्गवास हो गया है। तसल्ली न दो रानी, मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए तसल्ली अब खत्म हो चुकी। दिल की हर धड़कन एक ही बात कह रही है कि अंतकाल आ गया। आप इस तरह ना उम्मीद न होइए महाराज, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, वो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। महाराज वो सब लोग आ गए। इजाजत है। आओ आओ, हमने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि जितने भी जल्दी हो सके झांसी राज का वारिस मुकर्रर कर दें। इस कदर मायूस होने की क्या जरूरत? सल्तनत और रियाया के सर पर तिबलाए आलम का साया मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला
हुजूर वाला को सेहत होगी। नहीं गौस, अब ये उम्मीद बेकार है। दिल की ताकत जवाब दे चुकी, और सुन तो रहे हो कि अंग्रेजों की नीयत दिन बदलती जा रही है। अंग्रेजों की नीयत बदल जाए मगर वतन परस्तों के फौलादी इरादे नहीं बदल सकते। मुझे कसम है खुदाए लायजाल और रियासत के नमक की, जब तक गुलाम जिंदा है झांसी का बाल भी बीका ना होगा। हम तुम्हारी वफादारी की कद्र करते हैं गौस, लेकिन फिर भी मसलहत यही है कि हम अपने रिश्तेदार वासुदेव नेवाड़कर के लड़के आनंदराव को गोद लें और उसका नाम अपने राजकुमार के नाम पर दामोदर राव रखें। मंत्री जी, पंजी, तुम सब जाओ और दत्तक लेने की रस्म जल्द से जल्द अंजाम दो। लेकिन याद रहे कि जो कुछ हो शास्त्रों के अनुसार हो, पॉलिटिकल एजेंट और दूसरे अफसरों की मौजूदगी में हो, ताकि बाद में गवर्नर जनरल को भी उस पर उंगली उठाने की जरूरत ना हो सके। और जब ये सब कुछ हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, झंडे लहराए जाए और तोपे दागकर युवराज का स्वागत किया जाए। तोपे दाग कर युवराज का स्वागत किया जा रहा है। जी सरकार, महाराज ने आनंद राव को गोद लिया है। ये सब उस रानी की शरारत है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि एक म्यान में दो तलवार रखने का अंजाम बहुत बुरा होता है। मेजर एलिस, दत्तक की रसूमात बाकायदा आपके सामने हुई है, इसलिए हमारे बाद दामोदर राव ही हमारी गद्दी के जायज वारिस हैं और उसकी नाबालिगी के जमाने तक हुकूमत की बागडोर हमारी रानी के हाथ में रहेगी। हमें आपकी दोस्ती से पूरी उम्मीद है कि आप इस खरीदे को अपनी सिफारिश के साथ गवर्नर जनरल को भेजकर इसे मंजूर कराने में कोई कसर उठाना रखेंगे। आप इत्मीनान रखिए योहन्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। माता पिता के चरण छुओ बेटा। जीते रहो, दीर्घायु। रानी, अब ये झांसी के महल का दीपक है, इससे हवा से, आंधी से, तूफान से बचाना तुम्हारा काम। लेकिन याद रखो काका जी, सदाशिव की हसतों का खून किसी के माथे का राज तिलक कभी नहीं बन सकता, और रानी को अब उस खौफनाक तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा जिसके आगे पहाड़ भी पत्थर बनकर उठ जाते हैं। गुस्ताख, तेरी ये मजाल कि तू हमारे सामने हमारी रानी को धमकियां दे। सदाशिव, ये तो कुछ भी नहीं है काका जी, जरा मुझे सूरज डूबने का ये सुहाना मंजर तो देख लेने दीजिए, फिर नए सूरज की तेज किरणों की चुभन का हाल मैं रानी के दिल से पूछूंगा। चुप रहे बदतमीज, मलामत तेरी जुबान। महाराज, महाराज, आरावर,
मैंने कहा आरावर से मेजर साहब। ओ सदाशिव, आज इतने सवेरे, क्या कोई नई बात है? वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। क्या मतलब? मेरी दरखास्त की कोई खबर कलकत्ते से आई मेजर साहब? अभी तक तो नहीं, मगर बस अब आने ही वाली है। मेजर साहब, झांसी राजगद्दी का असली हकदार मैं ही, मैं ही गंगाधर राव का निजी रिश्तेदार हूँ। मेरे हक के बारे में कोई शक नहीं कर सकता। हम समझते हैं तुम क्यों इस कदर बेचैन हो। राजा गंगाधर राव गुजर गए, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं, कम से कम एक दर्जन दावेदार तो जरूर उठ खड़े होंगे। लेकिन असली हकदार तो मैं हूँ मेजर साहब। हर दावेदार यही कहता है असल हकदार मैं ही हूँ। मेरा तो ख्याल है कि गवर्नर जनरल को इस हमेशा के परेशानी से बचने के लिए झांसी को भी खालसा कर देना चाहिए, वरना हर राजा के मरने के बाद एक दर्जन दावेदारों को वही पुराना झगड़ा लगा रहेगा। मेजर साहब, मैं अपनी बात बढ़ा रहूंगा, मैं अपना हक साबित करूंगा। और ये जो राजा गंगाधर राव ने दामोदर राव का सवाल खड़ा किया है उसका क्या? दत्तक लेने की रस्म हिंदू शास्त्रों के मुताबिक हुई है, गंगाधर राव की जिंदगी में हुई है, पॉलिटिकल एजेंट के सामने हुई है, और इसकी इत्तला उसी वक्त कलकत्ता भेजी गई है। मैं तो समझता हूँ कि रानी साहिबा का केस बहुत ही मजबूत है। अब कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट क्यों नहीं मेजर साहब? अभी तक दामोदर राव का राजतिलक नहीं हुआ है, आखिर गवर्नर जनरल साहब उन्हें कैसे झांसी राजा मानने पर मजबूर हो जाएंगे? वेल, ये जरा सोचने की बात है। सदाशिव गंदार है और रानी सरकार, ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। ये जो कुछ हो रहा है हमारी ही गलती से हो रहा है। अगर हम ये समझते थे कि झांसी की गद्दी पर हमारा ही हक है तो हमें दामोदर राव का राजतिलक उसी वक्त कर लेना चाहिए था। अब भी समय हाथ में बाकी है महारानी जी, हमें जल्द से जल्द कुमार का राजतिलक कर लेना चाहिए। हाँ राजगुरु, जल्द से जल्द कुमार के राजतिलक की तैयारी की जाए, हम किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। झांसी राज के वफादारों, हमारे स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की वसीयत के मुताबिक और हमारी महारानी की आज्ञा से मैं पुरोहित जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस दरबारे आम में युवराज दामोदर राव के राज तिलक की रस्म अदा करें। जनरल के नाम पर हुक्म देता हूँ कि राजतिलक रोक दो। और मैं यहाँ इस वक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हुक्म देता हूँ कि राजतिलक की रस्म बराबर जारी रहे। मेरे पास गवर्नर जनरल राइट ऑनरेबल लॉर्ड डलहौसी का ये फरमान है, राजतिलक की रस्म पूरी होने के बाद महारानी उस पर गौर फरमाएंगी। पुरोहित जी, राजतिलक लगाइए। ये गवर्नर जनरल के फरमान की सरासर तौहीन है, मगर प्रमाण सुना सकते हैं। कलकत्ता, हिज एक्सलेंसी द राइट ऑनरेबल गवर्नर जनरल इन काउंसिल का फरमान बनाम रियासत झांसी, उन दावों की निस्बत जो आजहानी महाराज गंगाधर राव के नाबालिग दत्तक पुत्र अनंत राव
जिनका दूसरा नाम दामोदर राव है, और सदाशिव राव नेवालकर जो अनजहानी महाराज गंगाधर राव का भतीजा है। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के मुआजिज मेंबरान ने यह फैसला किया है कि झांसी राज पर दोनों दावेदारों का हक साबित नहीं होता, और यह कि रियासत का आमन और रियाया का आराम और खुशहाली कायम रखने के लिए झांसी राज को खालसा करार देकर अपनी हुकूमत में शामिल किया जाता है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जाके अपने लॉर्ड साहब से कह दो, जब मैं यहाँ की रानी बनी थी तब यहाँ इसी जगह तलवार हाथ में लेकर सौगंध खाई थी कि अपने देश की आजादी की हिफाजत मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगी। अगर किसी में हौसला है तो आजमा कर देख ले, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। गुलाम गौस खान, मेजर एलिस की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। रामचंद्र राव, राजकुमार की हिफाजत तुम करोगे। और रानी साहबा के लिए 5,000 रुपए महाना पेंशन देने के अलावा उनके जाती जेवरात और शहर के राजमहल पर उनका हक कंपनी सरकार तस्लीम करती है। खजाने के रुपयों पर कंपनी सरकार का कब्जा होगा और दामोदर राव के बालिग होने पर उन्हें दिया जाएगा। इस फरमान के जरिए यह ऐलान किया जाता है कि आज से झांसी रियासत को कंपनी सरकार अपने कब्जे में लेती है। माँ, मुझे बोल दे कि मैं समझाए और बेइज्जती का बदला ले सकूं। आज आप मेरे रास्ते से हट जाएं गुरुदेव। तो क्या आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है? हाँ गुरुदेव, आपका विश्वास शब्दों पर है और मेरा कर्म पर। आप समझते हैं जिंदगी मौत है और मैं समझती हूँ कि मौत का नाम ही जिंदगी है। आप मंजिल के और बढ़ते नहीं, खड़े खड़े सोचते हैं। मेरे पास सोचने के लिए वक्त नहीं, आपका कोई रास्ता ही नहीं, और यदि है तो वो राजमहलों और राजगद्दियों पर से बनता है। और तुम्हारा रास्ता? मेरा रास्ता? मैं अपना रास्ता जंग के मैदान से दुश्मनों को चीर कर बनाना चाहती हूँ। उन्होंने बारूद पर चिंगारी फेंकी है, मैं उसके धमाके से उनके पुर्जे पुर्जे उड़ा देना चाहती हूँ। चींटी अगर हाथी को ललकारे, राई अगर पर्वत के मुकाबले पर आ जाए तो तुम उसे क्या कहोगी रानी? मैं उनकी हिम्मत की तारीफ करूंगी। अंजाम क्या होगा? कुछ भी हो, मैं उसकी परवाह नहीं करती। तो यूं कहो कि अंजाम से बेपरवाह होकर तुम राज के बहादुरों और जानिसारों की हिम्मतों को रौंदती हुई खुदकुशी करना चाहती हो। तुम वतन परस्तों के उन सुनहरे सपनों को पामाल करने जा रही हो जिसकी ताबीर के इंतजार में वो अपना सर हथेली पर लिए खड़े हैं। गुरुदेव, इसलिए सैलाब में कूदने से पहले हमें उससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आग के शोलों में फांदने से पहले उससे महफूज रहने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। लेकिन आप ही ने तो तालीम दी है कि आग के शोलों से कभी न डरना, सैलाब की मौजों से न घबराना, और अगर मौत भी आए तो बिला खौफ मर जाना। बेशक मैंने ये तालीम दी है और अब भी यही तालीम देता हूँ कि आग के शोलों में फान जाओ लेकिन हाथ में पानी का फव्वारा लेकर, सैलाब में कूद पड़ो लेकिन पहले पैर ना सीख लो, और मौत से हरगिज ना डरो लेकिन चींटी की मौत नहीं शेर की मौत मरो कि मरने के बाद मौत का अफसोस न रहे। लाओ ये तलवार मुझे दो। आप इसे क्या करेंगे? मैं इसे लेकर मुल्क में आजादी के नारे लगाऊंगा, मुल्क के सोए हुए शेरों को जगाऊंगा, और इसमें वो ताकत पैदा कर दूंगा जो दुश्मनों का सिर्फ सिर नहीं बल्कि उनकी जड़ों को भी आसानी से काट सके। उस वक्त तक हम क्या करें? बर्दाश्त। आज वक्त तुमसे बर्दाश्त चाहता है और हमसे कोशिश। और अगर कोशिश नाकाम हुई तो? कोशिश कभी नाकाम नहीं हुआ करती रानी, हो सकता है कि नतीजा देर से जाहिर हो। आज तुमने जो आजादी का बीज बोया है उसमें हमें फतेह मिले या शिकस्त, लेकिन हमारी आने वाली संतान यही कहेगी कि विदेशी हुकूमत की नाइंसाफी के सामने सबसे पहली तलवार जो नियाम से बाहर निकली वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की थी। झांसी की रानी की तलवार के साथ आप लोगों ने अपनी तलवारें भी नियाम से बाहर निकालकर बात का अहद किया है कि अब ये तलवारें उस वक्त तक नियाम में नहीं जाएंगी जब तक कि हम अपना मकसद पूरा न कर लें। बेशक मैं इस बात का अहद करता हूँ कि सूबे अवध को आजादी की जंग के लिए तैयार करूंगा। और यकीन रखिए कि बिहार में चंद्रगुप्त और अशोक की संतान
अपने शानदार कारनामे फिर से दोहराएंगी। मैं इंशाअल्लाह ताला आजादी की इस लहर से सूबे दिल्ली का खास आम का दिल गरमा दूंगा और मैं छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र को साथ लेकर दुश्मन पर आंधी और तूफान बनकर टूट पड़ूंगा और मैं जिंदा दिलाने पंजाब को अपनी जान की बाजी लगाने पर आमादा करूंगा। ख्याल रहे कि हर सूबे में ये काम इंतहाई राजदारी के साथ अंजाम दिया जाए। अब हम आजादी की पहली जंग का निशान कमल और रोटी तजवीज करते हैं। इंसान अगर कोई जबान की एक कामयाब तस्वीर है। हमें मंजूर है। तारीख दिन और वक्त का हम सब फैसला कर चुके हैं। आजादी की पहली जंग 31 मई इतवार को 11 बजे शुरू होगी। याद रहे इतवार 31 मई 1857। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसी पर दे देंगे हम जान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, शीस हिमालय है भारत का, चरण कमल दक्षिण मदरा, मारवाड़ बंगाल बुझाए, छाती है झांसी खास, आग लगी जब छाती में तो उठा एक तूफान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, आपको तो मालूम है योर हाइनेस कि हर तरफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं। हमारे सिपाही भी हमारे खून के प्यासे हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से छिपता छिपाता आप तक पहुंचा हूं ताकि इस मुसीबत में आप हमारी मदद कर सके। काश कि मैं ऐसा कर सकती, लेकिन अंधा कुआं प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। योर हाइनेस, कैप्टन, जिस ढाल का तुम सहारा चाहते हो उसे तो तुम लोगों ने किसी काबिल ही नहीं रखा। अब ना तो वो तुम लोगों की जान ही बचा सकती है और न तुम्हारे किसी काम ही आ सकती है। हमें अपनी परवाह नहीं, हम तो अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन हमारे बीवी बच्चे, उन सबको तुम सागर क्यों नहीं भेज देते? अब वक्त ही कहाँ है, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप कम से कम हमारे बीवी बच्चों को अपनी हिफाजत में ही ले लें। आज तक हमारे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा और हम तुम्हें भी निराश नहीं लौटाएंगे। कैप्टन जाओ, उन सबको सुरंग के रास्ते हमारे महल में भेज दो। मैं आपका यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा योर हाइनेस। काशी, हमारे दस्ते की हिफाजत में कैप्टन गॉर्डन को स्टार फोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। इतनी देर हो गई और कैप्टन गॉर्डन रानी के यहाँ से वापस नहीं आया। उसे जाना ही नहीं था वहाँ। फजूल है रानी से मदद की कुछ उम्मीद रखना, लेकिन वो क्यों हमें मदद देगी? और अगर दे भी दी तो कोई नहीं जानता कि उसकी नीयत कब बदल जाए। या तो किले से बाहर निकालने की एक चाल होगी। डार्लिंग, तुम्हें तो मालूम है कि हमारी मदद से इनकार कर दे पर हमें धोखा कभी नहीं दे सकती।
बेहतर तो ये है अब कि इन बागियों पर भरोसा किया जाए। यही ठीक है। ठीक, मगर अब हमारा टिकना मुश्किल है। ना अनाज है, ना बारूद, ना पानी। तो अब बागियों की इताअत मान लो। आखिर वो हमारे ही तो आदमी हैं, कुछ तो ख्याल करेंगे हमारा। अगर सबकी यही राय है तो मैं जाकर सुलह का झंडा बुलंद करता हूँ। किले का मुहासला कर लो, रस्सियां लेकर तैयार हो जाओ, सीढ़ियां ले आओ, तख्तों के तले उठा लाओ। एक आखिरी मौका देता हूँ, दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ, वरना हम घुस आएंगे तो अंजाम तो बुरा होगा। वादा करो हमें सलामती के साथ सागर जाने दोगे? मैं तुम सबकी सलामती का वादा करता हूँ। अपने आदमियों के भी तुम जिम्मेदार होगे? मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। रानी ने बेगुनाह औरतों और मासूम बच्चों को फरेब से कत्ल करा दिया। झांसी को आजाद करा दिया और जो आप पर जुल्म किए गए थे उसका बदला ले लिया। अब आप हमारी राहबरी कीजिए और हमें हुक्म दीजिए कि हम आगे क्या करें। हम सिपाहियों को मैदान जंग में हुक्म दे सकते हैं, आजादी के नाम पर मर मिटने वाले वतन परस्तों की राहबरी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे खूनी जल्लाद जो बेगुनाह औरतों और मासूम बच्चों की हत्या करना बहादुरी समझते हैं, उनका मुंह देखना नहीं चाहते। चले जाओ यहाँ से। हम जाने को तैयार हैं। हम दिल्ली जाएंगे। हमें खाने पीने का खर्च दो वरना हम झांसी लूट लेंगे। खबरदार, मेरी जिंदगी में मेरी झांसी कोई नहीं लूट सकता। अगर तुम्हें पैसे ही की प्यास है तो लो यहाँ और बुझाओ अपनी प्यास। अब कसम है हिंदुओं को पवित्र गंगा की और मुसलमानों को कुरान पाक की, जो किसी ने मेरी झांसी को हाथ तक लगाया। Gentlemen, General Sir Hugh Rose. Sit down, gentlemen. Gentlemen, हमारे फौजी प्लान के मुताबिक हमारिया से लेकर बिंदिया चल तक हमें उन तमाम इलाकों पर दोबारा कब्जा करना है जो अभी तक बागियों के हाथ में है। मैं पहले अपनी फौजें लेकर झांसी की तरफ बढ़ूंगा। लक्ष्मीबाई, जो कि अपने आप को झांसी की रानी समझे बैठी है, उससे जोखन बाग के कत्लेआम का पूरा पूरा बदला लूंगा। मेरा ख्याल है सर कि सदाशिव ने ठीक तौर से तमाम बातें नहीं बताई आपको। अच्छा, तो शायद और भी कुछ कहना चाहते हो तुम?
मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था सर। मेरा वहाँ से बच निकलना भी एक किस्मत की बात है। खैर, लेकिन रानी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसका इस कत्लेआम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसने तो बलवाइयों को रोकने की बहुत कोशिश की थी। तो डॉक्टर साहब शायद ये भी बता सकेंगे कि लक्ष्मीबाई ने 125,000 रुपये का हार उन बलवाइयों को, जिन्होंने अपने हाथ अंग्रेज मर्द औरत और बच्चों के खून नाहक से रंगे थे, की सेवा के बदले में दिया। बच्चा, बस अब और सबूत की जरूरत नहीं। ब्रिगेडियर स्टुअर्ट, तुम जबलपुर की तरफ से बढ़ो और वहाँ के सूबों को पता करते हुए हमसे आकर मिलो। मुझे यकीन है कि आज से 2 हफ्ते के बाद हम जरूर झांसी में मिलेंगे। Lieutenant Henry Dacre, an officer of the British Armed Forces and an envoy of General Sir Hugh Rose. Well, officer, जो कहना है वो तुम कह सकते हो। British Armed Forces Central Command के officer commanding General Sir Hugh Rose की तरफ से खुद साक्षात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम इस पैगाम के जरिए तुम्हें बाखबर किया जाता है कि हमारे पास इस बात का पक्का सबूत मौजूद है कि मुल्क में जो आम बगावत हुई उसमें तुम्हारा भी हाथ था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जौहन बाग में अंग्रेज मर्द औरत तो बच्चों का जो वहशियाना कत्ल आम हुआ उसकी भी पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम्ही पर है। लिहाजा इस पैगाम के जरिए तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है कि तुम अपने नाबालिग दत्तक दामोदर राव और हज़्ब ज़ैल 14 सरदारों के साथ बगैर किसी शर्त के 24 घंटे के अंदर ही अंदर हमारे हुजूर में हाजिर हो जाओ। अगर मुकर्रर किए हुए वक्त के अंदर तुमने हमारे इस हुक्म पर अमल नहीं किया तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ झांसी पर हमला कर देंगे और शहर की ईंट से ईंट बजाते हुए तुम्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लेंगे। खामोश अफसर, अपने कमांडर से जाके कह दो। ये पैगाम हमारे नाम है। ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर जनरल सर ह्यू रोज़ की तरफ से। लेफ्टिनेंट हेनरी डॉकर, तुम्हारे जनरल ने हमसे मुलाकात की उम्मीद जाहिर की है। जाकर उनसे कह देना कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। हम उनसे मुलाकात करने आएंगे, जरूर आएंगे, और उन 14 सरदारों के साथ आएंगे जिन्हें उन्होंने याद फरमाया है। बल्कि हमारे साथ और भी वो सब होंगे जिन्हें बुलाना वो शायद भूल गए हैं। हमने मुलाकात की जगह भी तजवीज की है और वो जगह लड़ाई का मैदान होगी। ये बात भी जाकर उनसे जरूर कह देना कि उन्होंने लोहे का चने चबाने की कोशिश की है, ताजुब नहीं जो दांत बाहर निकल आए। और इस हथकड़ी का जवाब हमारे जनरल गुलाम गौस खान देंगे। एक बात और, हमारी तरफ से ये तोहफा अपने जनरल को देना और कहना कि जब लड़ाई में बारूद खत्म हो जाए तो इससे काम लें। ये कारतूस उनकी तमाम फिक्रें दूर कर देगा। मुझे तुम पर फख्र है मनु। दीवारों और दरवाजों की मरम्मत करके अच्छी तरह दुरुस्त कर लो। तुम गोला बारूद तैयार करने में रात दिन एक कर दो।
तुम नौजवानों को फौज में भर्ती करो और तुम शहर पना के बाहर वो तमाम खेत बाग घास फूस जलाकर राख कर दो ताकि दुश्मनों को किसी तरह की मदद न मिल सके। Ah!
बच्चे की हालत बहुत नाजुक हो गई है। क्यों? ऐसे क्यों हुआ? दुश्मन का तोपखाना गुसाइयों के मंदिर के पीछे से गोले फेंक रहा है। मंदिर सामने होने से हमारे तोपखाने बंद हो गए। तुम्हारे होते हुए दुश्मन का तोपखाना हम पर आग बरसाता रहे और तुम्हारी गनगर चुप रहे। क्या करूं रानी सरकार, हमारी कामयाबी के बीच में हमारा ही खुदा आ गया है। अगर मैं इसे चलाता हूँ तो क्या होता है? तो मंदिर टूट जाने का डर है। और तुम अपना फर्ज पूरा करो, भगवान तुम्हारी लाज रखेगा। अगर ये बात है माँ तो गनगर जरूर गरजेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खुदा के घर की एक ईंट न थमकेगी। गगन दूत रामपर जय हनुमान। तुम्हारी गोलंदाजी पर झांसी को नाज है। नहीं माँ, ये चमत्कार आप ही के भरोसे का नतीजा है। हाँ सदाशिव, मैं तुमसे कह रहा था कि मंदिर की तुम्हारी राय ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। छह दिन और छह रातें बेकार गई, सैकड़ों आदमी मारे गए, शर्म की बात। जनरल, अगर राजगद्दी मिलने का यकीन हो जाए तो जरूर जरूर वो तुम्हारी ही है, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि राजगद्दी तक पहुंचने के लिए शहर पनाह की दीवारों से टकराना और फिर महल से गुजरकर राजगद्दी तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है। फिर भी हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि राजगद्दी तक पहुंचने में तुम हमारी मदद कर सकते हो। अगर यह बात है तो मैं कोई कोशिश उठा नहीं रखूंगा। आपके आदमियों को ओरछा दरवाजे तक पहुंचाना मेरे जिम्मे रहा, मेरे साथी वहां मौजूद है। आज रात ओरछा दरवाजे पर तुम्हारा पहरा है। जी सरकार। मेरा इशारा पाते ही दरवाजा खोल देना। बहुत अच्छा, लो ये पेशगी। झांसी की गद्दी मिलने के बाद तुम्हें मालामाल कर दूंगा। भगवान श्रीमंत को छत्रपति बनाए। Thank you.
बुरी तरह जख्मी हो गए, बचने की कोई उम्मीद नहीं। नहीं, नहीं। बॉस, खुदा हाफिज़ माँ। बॉस, थोड़ी देर और रुक जाओ, चल चलाओ का वक्त है, साथ ही चलेंगे। लाचार गौस, अपनी माँ का हुक्म मानने से मजबूर है, मुझे माफ करना माँ, मेरी एक आखिरी तमन्ना है। कहो, जरूर पूरी की जाएगी। माँ, मेरी कब्र इस किले में बनवाई जाए ताकि कयामत के रोज मैं अपने प्यारे वतन झांसी से उठूं। झांसी जिंदाबाद। किले के दरवाजे पर बड़ी जाबाजी से लड़े, लेकिन वो थोड़े थे और दुश्मन बहुत, सारे के सारे कत्ल हो गए। शहर के सब लोग निराशा में घिरे हुए, कोई दुल्हन अपने सुहाग को और कोई माँ अपनी खाली गोद को देखकर रो रही है। इतना ही नहीं, अब तो सारा शहर आग का एक शोला बना हुआ है और इस तमाम तबाही का जिम्मेदार सदाशिव है। जब झांसी भी जल रही है तो झांसी की रानी क्यों बची रहे, उसे भी जल जाना चाहिए। काशी चिता तैयार करो। गुरुदेव, बताइए क्या खमकला है? नहीं, आपके हाथ में ये टूटी हुई तलवार आपके टूटे हुए हौसलों का पता दे रही। तलवार के टूटने से बहादुरों के हौसले नहीं टूटा करते, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है। ये तुम क्या करने जा रही हो? वही जो हिंदुस्तान की बहादुर रानियां उम्मीद और आस टूटने पर किया करती हैं। नहीं मालूम था कि बचपन में हाथी से मुकाबला करने की हिम्मत रखने वाली मनु, तिनके की हैसियत में रहकर पहाड़ से टक्कर लेने का हौसला रखने वाली लक्ष्मीबाई वक्त की शक्तियों से डर कर यूं हिम्मत हार बैठेगी। गुरुदेव, जाने साल साथी भी छड़ गए, राज के वफादार बहादुर अपनी बहादुरी की दाद देते हंसते खेलते चल बसे। झांसी जल रही है, अब हिम्मत बांधू तो किस उम्मीद पर? कालपी, कालपी में नाना और राव अपनी फौज के साथ तैयार बैठे हुए हैं। तुम अपने बचे हुए बहादुरों के साथ फौरन कालपी पहुंचो और उनकी मदद से एक बार फिर झांसी की आजादी की जंग शुरू कर दो। आजादी? झांसी की आजादी? क्या हो सकता है? तो मैं जरूर जाऊंगी। अब क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? काश कि मेरे कंधे इतने मजबूत होते कि मैं इस तख्त को अपने साथ उठा कर ले चलता, लेकिन ये तख्त अपनी जगह नहीं छोड़ सकता और मैं इस तख्त को नहीं छोड़ सकता। तुम अपना फर्ज पूरा करो, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। तो आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, फिर शायद हमारी मुलाकात न हो। भगवान तुम्हें सफल करे, ऐसा जीवन पाओ जिसे मौत भी न मार सके। जैसा समझा था वैसा ही मैंने तुम्हें पाया, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उन लोगों को अंदर ले जाओ जो लाचार और मजबूर हैं, और बाकी जो हैं वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं।
पवित्र राजगद्दी, कोई अपवित्र हाथ तुम्हें छू न सकेगा, कोई देशद्रोही तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकेगा। 60 साल तक हम एक साथ साथ रहे हैं, आज भी हम साथ विदा होंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमला करते हुए भाग निकल चले। उत्तरी दरवाजे की अफसोसनाक गलती को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, तुम अपने साथ चंद बेहतरीन सवार लेकर इसी वक्त जाओ और उस औरत को मुर्दा या जिंदा वापस दिया। बहुत अच्छा। कल्पी से राजगुरु जी को खबर आई? जी नहीं। जनरल, झांसी फतेह हो गई, राजमहल पर भी कब्जा हो गया। अब मैं आपके पास अपने हक का मुतालबा करने आया हूँ। लेकिन राजगद्दी तो जल गई सदाशिव। तो क्या हुआ? इसके साथ तुम्हारा हक भी जल गया। लेकिन मैं अपना हक हासिल किए बगैर नहीं रहूंगा। अब भी मेरे पास काफी से ज्यादा फौज मौजूद है जो तुम्हारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़ी कर सकती है। तो हमारे पास भी तोपे हैं सदाशिव, हम पर किसी की धमकियों का असर नहीं हो सकता, और तुम्हारी धमकियों का तो बिल्कुल नहीं, जबकि हम तुम्हारे काम की पूरी पूरी कीमत अदा कर चुके हैं। जनरल, राजगद्दी का असली हकदार मैं हूँ और मैं नहीं रहूंगा। खैर सदाशिव, अगर यही तुम्हारी जिद है तो खैर, कैप्टन ले जाओ इन्हें और बिजली की तेजी के साथ वहां पहुंचा दो जहां राजगद्दी पहुंच चुकी है। मुझे राजदीप चाहिए, नहीं चाहिए। तीन, चार, पांच और छह। और वहां से चलते वक्त हम कुल 24 थे। भगवान करे वो सब गिरफ्तार हुए हों। भगवान करे वो कट मरे हों। होशियार, महारानी की राम चंद्र राव।
रानी कहाँ है? तुम उनके घर भी नहीं जाते। मैं उसे लेकर आऊंगा, जिंदा या मुर्दा। हमें अपना फर्ज अदा करना है, मैं भी यही करता हूँ। अपने वतन के लिए, इंग्लैंड के लिए। अच्छा हुआ तुम जीते। हनरी, हनरी। किले के हमलों से सलामत रहा, जोखन बाग के कत्लेआम से बचा, लेकिन अफसोस कि हमने उसे मौत के मुंह में धकेला। लक्ष्मीबाई काले भी पहुंचकर तात्यार राव की फौजों से मिल गई। कोई बात नहीं, अब हम उसे इतना मौका ही नहीं देंगे कि वो कोई नया फितना उठा सके। कैप्टन, फौज को तैयारी का हुक्म दो, हम फौरन ही कालपी की तरफ कूच करेंगे। और इस तरह जनरल सर हीरोज की फौजें रानी का पीछा करती रहीं। रानी को कालपी छोड़कर गोपालपुर में पनाह लेनी पड़ी। गोपालपुर से बढ़कर उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, जहां राव साहब बजाय इसके कि रानी की बातों पर ध्यान देते और अपने मोर्चे मजबूत करते, रंगरलियों में वक्त गंवा रहे थे। चाहे जमाना करवटे बदलता रहे, दिल मचलता रहे, शराब का दौर चलता रहे। Thank you.
हमारे चुने हुए बहादुरों का मुंह फेर दिया, मगर आज की यह जीत उसे बहुत महंगी पड़ेगी। ब्रिगेडियर स्टुअर, कल सुबह हमारे लश्कर ऊंट पहाड़ी के पीछे तैयार रहे और हमारे हुक्म का इंतजार करें। कल सूरज डूबने से पहले ही उस औरत की किस्मत का फैसला हो जाएगा। आज सूरज डूबने से पहले पहले इस लड़ाई का फैसला हो जाएगा और शायद इसके साथ मेरा भी। आप क्या कह रही हैं महारानी जी, आज हम कल की अधूरी जीत को पूरा करेंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो, और अगर ऐसा न हुआ तो मेरी ये अमानत तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करना। महारानी जी, मैं जा रही हूँ, मैं आपका दरबार कर ले आऊंगी। इसके लिए आप वक्त नहीं। हे भगवान, किन दरिंदों ने तेरी यह दशा कर दी। June 1858, आज की फतह का सहरा हमारे सर जरूर रहा, लेकिन बहादुरी का सहरा रानी के सर बंधेगा, जो बागी मर्दों में सबसे दलेर और जांबाज
मर्द थी। मनु, मनु, मुझे पहचाना मनु? मैं हूं शंकर, 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 मेरे बचपन का साथी। लो, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर चंद टूटी हुई सांसें लेकर तुम्हारी कुटिया में आ ही गई। ऐसी बातें ना करो मनु, अभी तुम नहीं मर सकते। अभी तो तुम्हें देश के लिए बहुत कुछ करना है मनु। मुझे देश के लिए मरना सिखाया है वो देखो, सूरज डूब रहा है, इसका निकलना अब मैं न देख सकूंगी, मगर हर रोज ये निकलेगा, आज 10 साल या 100 साल में ये सूरज मेरे देश के लिए आजादी का संदेश लाएगा, आजादी, आजादी, अमर हो। भारत के डूबते हुए सूरज, तुझको कोटिश प्रणाम। अमर है झांसी की रानी,